गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ तमन्ना अली। तो आज हमारे घर बनी थी, आप इसको बोल सकते हो मैंगो जैम या फिर आम की चटनी आप बोल सकते हो इसको। ये बहुत ज़्यादा खट्टी मीठी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एज़ यूजुअल ये मैंने नहीं बनाई, मेरी बहन ने बनाई है। और मेरी बहन को बताया था मम्मी ने कैसे कैसे सब कुछ करना है। आप सब तो जानते ही हो, मैं शूट करती हूँ, अगर मैं ही बनाऊँगी तो फिर मैं शूट कैसे करूँगी। और मैं कुछ गड़बड़ बहुत ज़्यादा कर देती हूँ, मीन्स मेरी मम्मी और सप्पा कह नहीं तो काम कर देते गड़बड़ ज़्यादा करती है। जितनी तो मिलती ही जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। इग्नोर प्लीज़, क्योंकि गाना बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था और अब आ चुकी हैं गर्मियाँ और कच्चा आम यार बहुत पसंद है, बट कम खाती हूँ, फिर दांत खट्टे हो जाते हैं। और मैंगो शेक, आम की कुल्फ़ी और ये वो, और वैसे आम भी खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप ही हो मैंगो लवर, वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं रील्स वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ, तो कर लो यार फॉलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कच्चे आम। और हाँ, ये जो है ना आम की चटनी मैंगो जैम, आप इसको जो है ना कच्चे आम से ही बनाएंगे मिसक्वाच। तो मैंने यहाँ पर कच्चा आम ले लिया है काफ़ी सारे और इनको कट कर लिया है। और वो देखिए कितनी छोटी सी है, छोटी वाली, और वो थोड़ी पकी हुई भी थी। और अब हम इनको नॉर्मल कट कर लेंगे। मैंने नहीं, मेरी बहन ने सारे कट कर लिए थे। और जो इनके अंदर वो थी ना बीज, उसको निकाल लिया। अच्छा ये बताओ, जो जिसके अंदर होता है ना मोटी सी गुठली, उसे तो बोलते हैं गुठली, और जिसके अंदर होती है ना बहुत ही पतली, उसे बिजली बोलते हैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ, बिजली, मम्मी बोल रही थी कि ना हाँ हम तो बिजली बोलते थे। फिर हमने धो लिया और इनको बॉयल कर लिया मीडियम टू हाई फ्लेम पर, नॉर्मल जैसे हम बॉयल करते हैं पानी डाल के वैसे बॉयल कर लिया ताकि हल्की से सॉफ्ट हो जाए इस वजह से। और यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज और लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस, थोड़ा सा हाफ से हाफ टीस्पून हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, एंड हाफ टीस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा चिली पाउडर ऐड कर दिया है, और नमक आप टेस्ट के अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो जाता है, क्या हो जाता है इसको, कभी तो इतना अच्छा शूट करेगा माशाल्लाह और कभी ऐसा। तो मतलब बस आप देख लो यार, फ्लेम यहाँ पर आपने मीडियम रखनी है, ऑयल डाल देना है। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला था, 2 and 3 होगा। और फिर इसमें हमने डाल दिया अचार का मसाला, अचार का जो आता है ना मसाला मिक्स करके जाते हैं वो वाला ही हमने इसमें ऐड कर दिया था। और वो ना उस पर कैमरे पर ना वो आ चुका था वेपर्स का, तो इसलिए वो थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा था। और फिर हमारे जो थे ना स्पाइसेस और पेस्ट था अनियन और गार्लिक का, वो इसमें हमने ऐड कर दिया है। और इन सबको मिक्स करते करते हमने एक मसाला भून लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाला भून लेना। अगर आपको कभी चिपक रहा है तो आप इसमें पानी ऐड कर दो फिर, है ना। यहाँ पर फ्लेम रखनी है आपको मीडियम और फिर बीच बीच में हाई करते रहना, मतलब जब आपका ऑयल हल्का हल्का रिलीज़ हो जाए, मीन्स आ जाए ना आपका मसाला अच्छे से भुन चुका है, मसाला को ना अच्छे से कच्चा पर निकाल देना है। तो आप देख सकते हो हल्का हल्का ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। और यहीं पे हमने ऐड कर दी थी जो हमारा कच्चा आम हमने बॉईल करके रखा था ना, वो यहाँ पर ऐड कर दिया है हमने। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स, और इसको ना आप ऐसा हल्के से स्पैटुला से ना सा चखा भी देना। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मीठा बनाने के लिए इसको थोड़ा सा शुगर, वो था ना वो शक्कर जाता है ना, वो गुड़ का जाता है पाउडर, हाँ वो शक्कर वो हमारी ख़त्म हो गई थी, वरना उससे ही बनाते हैं हमेशा, उससे ना कलर और फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और पहले टाइम पे ना ऐसे बनाया करते थे, और हम तो ऐसे बनाते हैं। और अगर आप चाहो ना इसे उससे ट्राई करना पराठे के साथ और ब्रेड पे एज अ जैम, और ये इतना मस्त बन के आया ना मसाले और जो उसका मीठापन, ओए होए होए होए, मज़ा आ जाता है यार इसको खा के। मतलब एक होता है ना कि यार कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, क्या खाऊँ, जायका ठीक करना है, तो बस मुँह में खाओ इसको, मुँह से खाओ, सॉरी क्या बोल रही हूँ, खाओ इसे मुँह से खाएंगे तो पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी बोल देती है यार मैं तो। और बस ये बनकर रेडी है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, आप इसे स्टोर भी कर सकते हो 8 आइट कंटेनर में, फ्रिज में आप इसको 2 वीक्स के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। हम तो बना के रख लेते हैं और बस खाते पीते रहते हैं। खाओ पियो मौज करो और हमें मोटिवेट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और फॉलो करो ऑन माय इंस्टा पेज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।